हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ओलिविया आर्ट स्टूडियो। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, ये है एक वॉल क्लॉक जो कि हैंडमेड वॉल क्लॉक है और इसे हमने रेजिन से बनाया है। अब ये मेरी वॉल क्लॉक जो है बिल्कुल रेडी है और आज के वीडियो में हम सिखाने वाले हैं कि वॉल क्लॉक में क्लॉक मशीनरी कैसे फिट करते हैं। तो आइए देखते हैं। ये है हमारी क्लॉक मशीनरी का सामान। इस टाइप की हमें एक क्लॉक की मशीन चाहिए। 22 mm का ये इसका स्पिंडल है और इस तरह से क्लॉक हैंड्स चाहिए। एक ये टूल होता है मशीन को फिट करने के लिए और इस टाइप की एक बॉक्स होता है जिसमें ये मशीनरी लगती है और ये हैंगिंग के काम आता है, और एक सेल। तो ये सब हमारा सामान रेडी है और क्लॉक हमारी रेडी है। तो चलिए, और क्लॉक को रेडी करने के बाद हमने इस पर कर लिया है ब्लैक पेंट ताकि ये पीछे से भी फिनिश लुक दे। तो चलिए मैं शुरू करती हूँ वीडियो। आप देखिए कि इसको कैसे फिट करते हैं और वीडियो को पूरा देखें, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें और कमेंट करके बताएं अपने व्यूज़। अपना आगे से कुछ भी आप सजेशंस देना चाहते हैं वो भी हमें कमेंट में बता सकते हैं, या आप रेजिन से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहते हैं तो वो भी हमसे आप कमेंट में पूछ सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये हमारी मशीनरी का हम पहले नट निकाल लेंगे। पेच हमने निकाल लिया है। ये वाला बॉक्स हमें लेना है और मशीन को इस तरह से इसके अंदर डालना है। ये हमारा डल गया। इसके बाद हमें क्लॉक को उल्टा रखना है और इसे बैक साइड से इस तरह से अंदर इसमें डालना है। ये डल गया। इसके बाद हमें इसे सीधा करेंगे और पोजीशन को स्ट्रेट रख के ये जो नट है इसको हमें इसके अंदर डालना है, और इस टूल की हेल्प से इसे हमें टाइट कर देना है। अब ये हमारा मशीनरी हमारी फिक्स हो गई है बैक साइड से। अब बारी आती है हमारे क्लॉक हैंड्स को फिक्स करने की। तो सबसे पहले हम लगाते हैं आवर हैंड। तो आर हैंड को, यानी जो एक घंटे को मेंशन करती है, वो वाली नीडल को हमें इसके ऊपर रखना है और इस तरह से प्रेस करना है। तो देखिए ये फिक्स हो जाएगी। उसके बाद हमें मिनट हैंड लगाना होता है, तो हम मिनट हैंड को इस पर डालेंगे और इस तरह से हल्का सा प्रेस करेंगे, और लास्ट में हम लोग जो सेकेंड का हैंड होता है वो लगाते हैं, सेंटर में लगाएंगे और इसको भी हल्का सा प्रेस कर देंगे। तो ये हमारी नीडल्स फिक्स हो गई है और इनको सबको हम एक ही डायरेक्शन में कर देंगे ताकि देख लेंगे कि बैलेंस सही है या नहीं है। अगर आर हैंड थोड़ा सा, देखिए जैसे इसमें चिपक रहा है मिनट वाले हैंड के साथ, तो इसको हम थोड़ा सा सेटिंग कर लेंगे अपने हाथ से ही ताकि ये एक दूसरे के ऊपर टच ना करें। अगर ये टच करेंगे तो इनका मूवमेंट स्मूथ नहीं होगा बिल्कुल भी। देखिए, तो अब ये हमारे सब एक ही पैरेलल लाइन में आ गए हैं। अब इसके बाद हम इसमें सेल इंसर्ट करेंगे। ये सेल हम बैटरी इसमें डालेंगे। तो देखिए, ये हमारी क्लॉक का मूवमेंट स्टार्ट हो गया, और ये इसका बैक कवर है। आप बैटरी इंसर्ट करने के बाद इस तरह से इसका बैक कवर लगा सकते हैं, और यहां से आप इसको वॉल पर हैंग कर सकते हैं। तो देखिए कैसा है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये ट्यूटोरियल पसंद आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक मिलते हैं अगले किसी नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। तब तक के लिए बाय बाय।